नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आदितपुर नगर निगम इन दिनों कचरा में तब्दील हो चुका है। जनता बेहाल और सुनने वाला कोई नहीं। अब तो हालत बद से बदतर होता जा रहा है। सड़क किनारे कचरा फेंका जा रहा है, जिसके कारण डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी पनप रहा है। एक तरफ लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बारिश का पानी कचरे की गंदगी को लेकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। हालांकि इस मामले में वार्ड के सदस्य बोलने को तैयार नहीं और न ही अधिकारी। अब तो हालत पहले से भी खराब होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो पूरा आदिपुर मलेरिया और डायरिया की चपेट में आ जाएगा। वहीं चिकनगुनिया और डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी भी इस इलाके में फैल रहा है और इसका मुख्य कारण है कि गंदगी। वहीं गंदगी को साफ करने के लिए नगर निगम भले ही लोगों से पैसा ले रही है, लेकिन मूलभूत सुविधा के नाम पर नगण्य है। राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन गुरुवार को विभागीय कार से जमशेदपुर के परिसदन पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग से किए जा रहे बदलाव पर कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि परिवहन निगम का गठन करे और राज्य भर में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करे। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए यातायात की सुगम व्यवस्था बहाल की जाएगी, ताकि ग्रामीण इलाके में निवास करने वाले छात्र को शहर आकर शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा न हो। वहीं जिले के गालुडी इलाके के कासिडी गांव में बनने वाले परिवहन ट्रेनिंग स्कूल के निर्माण कार्य में अधर में लटकने के मामले पर कहा कि पूर्ववर्ती सरकार को इस निर्माण कार्य को करने से पूर्व ग्राम सभा से सहमति लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वे ग्राम सभा के साथ बातचीत कर जल्द से जल्द इसे शुरू करवाएंगे। बहुत पहले से हमारा सोच है कि हम यातायात का सुविधा झारखंड प्रदेश में लाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र से लेके शहरी क्षेत्र का एक जो दूरी है उसको हमने समाप्त करेंगे, ऐसे यातायात का व्यवस्था किया जाएगा। ये कोरोना काल के चलते हमारा इस काम में थोड़ा देरी तो हुआ है, लेकिन उसको अभी हम तेजी कराने जा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से शहर आने में किसी प्रकार का यातायात का असुविधा ना हो। विशेष करके जो स्टूडेंट है, जो मैट्रिक करने के बाद जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर में गांव से जो मैट्रिक किया बच्चा, वो कॉलेज तो शहर में है और वहां से साइकिल से संभव भी नहीं है। जिले के टुंडी स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी सहियाओं ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अप्रैल 21 से अब तक का प्रोत्साहन राशि का भुगतान अविलंब कराने की मांग की गई। मौके पर सहियाओं ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 में भी उन लोगों ने अपना घर परिवार छोड़कर मरीजों के बीच पूरा योगदान दिया है। समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा आहूत कार्यक्रम में उनकी भागीदारी बनी रहती है। ऐसे में प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की वजह से कई सहिया का परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका है, जिससे उन्हें कार्य करने में काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में उपयुक्त संज्ञान लेकर सहियाओं की बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान जल्द से जल्द करें। हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग काम करते हैं, दूसरा बाबा ही ले लेता है, बस कि हम लोग भुखमरी में आए हुए हैं। हम लोग काम करके भी प्रोत्साहन नहीं मिलता है सभी का। अच्छा, कोविड में हम लोग को कोई सुरक्षा नहीं दिया गया था, फिर भी हम लोग काम किए अपना घर से लगा कर। उसके बाद अभी तक एक भी पैसा नहीं, जो बोला गया था अप्रैल से सितंबर तक पूरी प्रोत्साहन देंगे, अभी तक कुछ नहीं मिला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की संपत्ति को बेचने से खफा होकर धनबाद यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार गौरव के नेतृत्व में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। पुतला दहन कर रहे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार गौरव ने बताया कि वर्ष 2014 में बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों से वादा किया था कि हम देश नहीं बिकने देंगे और यह वादा आज टूटता दिख रहा है। वहीं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी के द्वारा किया गया वादा आज तोड़ा जा रहा है। देश की संपत्ति को भिन्न भिन्न पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है। रेलवे को अडानी के हाथों, गैस पाइपलाइन को अंबानी के हाथों तथा BSNL को अंबानी के हाथ बेचा जा रहा है, जो कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह भारत के साथ धोखा है और छलावा है। अगर इस पर हम भारत के लोग अगर नहीं जाएंगे तो आने वाले समय में मोदी जी आम जनता को भी बेचने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि युवा कांग्रेस अब जाग गई है और आने वाले अगले महीने में हम यूथ कांग्रेस के हजारों हजार संख्या में आंदोलन करेंगे तथा धनबाद DRM को बंधक बनाने का काम करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारे एकू प्रधानमंत्री 2014 में जो देश को लुभावना वादा दिए थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज उनकी वित्त मंत्री बोल रही है कि नहीं भाई, मैं तो देश का एक एक चीज बेच के रहूंगी। तो मैं आप लोग के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो रेल प्राइवेट को अडानी को दे रहे हैं, गैस पाइपलाइन अंबानी को दे रहे हैं, BSNL अंबानी को दे रहे हैं, कल को हम आप जैसे
लोग को भी वो किसी के हवाले कर देंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा धोखा वो भारत के साथ क्यों कर रहे हैं। हम यूथ कांग्रेस के साथी उनकी ये मनमानी नहीं चलने देंगे। राहुल गांधी जी ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको चेताया है और लोगों के बीच लोगों को बताने का काम किया है कि हमारी संपत्ति को वो बेच रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के युवा जाग गए हैं और वो शांत नहीं बैठेंगे। हम धनबाद के युवा कांग्रेस के साथी अगले महीना किसी भी दिन बड़े पैमाने पर DRM को घेरेंगे, स्टेशन परिसर को घेरेंगे। हजारों हजार की संख्या में नौजवान लोग हमसे संपर्क में हैं। हम लोग बहुत बड़ा यूथ कांग्रेस का आंदोलन करने जा रहे हैं और DRM साहब को बंधक बना के मोदी जी के पास भेजेंगे कि धनबाद रेलवे चाहे कोई भी रेलवे हम बेचने नहीं देंगे। सरायकेला खरसा जिले के कपालियोपी क्षेत्र में शुक्रवार तड़के 55 वर्षीय जब्बार अंसारी के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जैम डुबाली कंपाली के रहने वाले जब्बार अंसारी सुबह पान खाने घर से निकले थे। पान खाकर लौटने के क्रम में अपराधियों ने कनपट्टी में गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही जब्बार अंसारी की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही कपालियोपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। अब्बार अंसारी की हत्या क्यों हुई, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। जब्बार अंसारी का जमडूबी का मोतीराम घर के सामने चौक पर मर्डर हुआ है, गोली लगा। कितना बजे घटना है? करीब 6 बजे। किसके द्वारा गोली चला है कुछ पता चला सर? नहीं, अभी अज्ञात चला है, सीसीटीवी हम लोग फुटेज देख रहे हैं, पता चल जाएगा। कितने राउंड फायरिंग हुआ सर? अभी तक तो एक खोखा मिला। केंद्रीय इस्पात सह ऊर्जा मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शुक्रवार को जमशेदपुर शहर पहुंचे, जहां उन्होंने सोनार स्थित ट्राइबल कल्चर सेंटर एवं दोराबाजी टाटा पार्क का भ्रमण किया। ट्राइबल कल्चर सेंटर में उन्होंने झारखंड राज्य के इतिहास एवं संस्कृति की झलक को बारीकी से जाना, जिसके बाद उन्होंने दोराबाजी टाटा पार्क का भ्रमण किया और सर दोराबाजी टाटा एवं मेहरा भाई टाटा की जीवनी को जाना। वहीं बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि टाटा घराना हमेशा ही देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाती आई है। साथ ही कहा कि टाटा घराना का नाम आज देश के अग्रणी पंक्ति पर केवल इसलिए है क्योंकि उन्होंने केवल व्यापार नहीं किया बल्कि देश हित और देश के विकास में अहम भूमिका लगातार अदा करते आए हैं। वहीं उन्होंने कोरोना काल के दौरान स्टील उद्योगों में हुए नुकसान एवं मजदूरों की छंटनी के सवाल पर कहा कि कोरोना ने 1.5 वर्ष तक स्टील उद्योगों पर अपना प्रकोप रखा और अब धीरे धीरे फिर से इसे पटरी पर लाया जा रहा है। सरकार की तरफ से कई योजनाओं के माध्यम से स्टील सेक्टर वे कंपनियों को मदद की जा रही है ताकि वे जल्द से जल्द फिर से बेहतर स्थिति में पहुंच सके। वहीं सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार चाहते कि निष्क्रिय हो चुकी इकाइयों को पुनर्जीवित किया जाए, जिस कारण ऐसी प्रक्रिया लाई गई है जिसमें सरकारी एवं निजी तंत्र मिलकर उन तमाम इकाइयों में बेहतर ढंग से संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि निजीकरण के मुद्दों पर लोग रोजगार की समस्या आने का दावा कर रहे हैं जो बिल्कुल ही गलत है। इस प्रक्रिया पर तमाम उपक्रमों को बेहतर ढंग से चलाया जाएगा और किसी की रोजगार नहीं जाएगी बल्कि रोजगार के नए आयाम भी खुलेंगे। बहुत पुराना इतिहास है और अभी आप ये देख रहे हैं राजी का सदर राजी ये जो गार्डन लत्ती के रूप में उनको यहाँ पर बनाया गया है और उनका जो योगदान है मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री का, देश के कल्याण के लिए उनकी जो कल्पना थी मैंने थोड़ा चलते चलते जो अनुभव किया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे लोग या इस प्रकार के शख्सियत जब देश में देश के लोगों के बारे में देश के बारे में सोचते हैं तो इससे देश आगे बढ़ता है और इसी कल्पना को लेकर के टाटा जी ने इस काम को शायद प्रारंभ किया होगा और आज इस स्थिति में हम इस टाटा को देख रहे हैं। और ये झारखंड के लिए, जमशेदपुर के लिए नहीं, ये दुनिया को एक प्रकार का सोचने का, आगे बढ़ने का एक संदेश इससे देता है। जुगसई थाना अंतर्गत स्टेशन रोड 56 भोग के पीछे 45 वर्षीय महिला की सड़ी गली अवस्था में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जहां पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के लोगों ने 56 भोग के पीछे महिला का शव देखते ही जुगसई पुलिस को इसकी सूचना दी, जहां जुगसई पुलिस 56 भोग के पीछे पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जुगसई थाने के सब इंस्पेक्टर हरिमोहन झा ने बताया कि सड़ी गली अवस्था में शव मिलने की सूचना पर उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
उन्होंने कहा कि महिला भीख मांगकर जीवन गुजर बसर करती थी। फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है और जुगसलाई स्थित पार्वती घाट में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यह एक अज्ञात महिला का सरा गला लाश लग रहा है। उम्र करीब 35 से 40 वर्ष है। लगता है भीख मांग के खाती कमाती थी और लगभग 2-3 दिन पहले इसकी मृत्यु छपन के पीछे दीवार साइड में हो गया था, जो कोई नहीं देखा था। बाद में एक आदमी आज देखा तो पता चला कि हम लोग को खबर हुआ, तो हम जाके इसको रेस्क्यू करवा के पार्वती घाट में। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.